Tensions escalated in Baital Batim as residents, mostly farmers, voiced their opposition to the issuance of occupancy certificates for a contentious housing project. The villagers mobilized to prevent the Baital Batim Panchayat from conducting an inspection intended for granting the project its occupancy certificate. The protest stemmed from long-standing grievances voiced by locals, particularly farmers, who allege multiple violations by the project's builder. These grievances include the blocking of traditional pathways leading to agricultural fields, construction of soak pits within the fields, and unauthorized structures. The residents claim these actions have not only disrupted their access to farmlands but also pose environmental concerns such as encroachment on natural drainage systems. शेतात आम्ही सोकपीट गायलो हा ही आमगे वे आता फोर्थ जनरेशन आम्ही शेतात देवपाकू आमका वे ना फोर्थ जनरेशन आम्ही दोन पाट पीक दिता शेत इतून हो सिवेज गायलो हा कळ्ळें तुका ही थंय सिवेज सोडलो हा हे आम्ही व्हिडिओ काड तेंका पयले धाडले अटॅच करून धाडले कंप्लेनाकू विच दे डीड नॉट अटेंड ओके हो व्हिडिओ चोय ही सोकपीट ओके ही आमगेली वे इचोय सोकपीट चोय इतू भितो हो रस्तो दोलते मी आमकां शेतां वचपा आनी तितू पोना सोकपीट गायलो हांय ओके सेकेंड थींग तेमी हो नाला नाला तेमी एनक्रोच केला कळ्ळें तुका रिटेनिंग वॉल बांदून आनी ते नाला तेमी क्वात रोयलाय सो शेतकांत ते आमकां थिंगा नाला आनी उरलो ना आमगे पंचायत पळ सारकी ना आमगे पंचायत सरपंचूय ना सेक्रेटरी ना दे बोथ हँड इन ग्लव्स ओके आय एम गिविंग यू 35 लॅक्स एंड पयल पंचायती रान कोता सो पावलो हाय आतांय बी तेम गेलो हाय जाल्यार आमकां खबर ना दे आर नॉट अटेंडिंग टू आर ग्रिवियंसीस आय हॅव गॉन एन नंबर ऑफ टायम्स इन द पंचायत द डे आय वॉक इन साइड द पंचायत आय स्पोक टू सेक्रेटरी एंड ही जस्ट वॉक्ड आउट सरपंच जस्ट वॉक्ड आउट ऑफ द पंचायत द मोमेंट आय एंटर्ड आस्किंग हिम व्हाय डीड यू ऑल कीप दिस ऑक्युपन्सी इंस्पेक्शन विदाउट अटेंडिंग आवर कंप्लेन आम अटेंड कोना सोना तुमी कित कोन ऑक्युपन्सी दोली इंस्पेक्शन दोले आम अटेंड कोण आसतना हांव हे पॉयंट जाता हांवें गायलो आसलोले आमगे ग्रिवियंसीस आहाय ते ओके हेचो हे 2022 आतां हे 2023 जाले हेज्या पयले 2005 मारियो सरान 2005 गायलोले कंप्लेन्स कोण येले हिंगा आतां Baital Batim Sarpanch Antonio Fernandez responded to the allegations, confirming that a team comprising himself, the panchayat secretary, and ward members visited the site to assess the reported violations firsthand. However, upon learning of the panchayat's inspection, local residents gathered and obstructed the visit, demanding that their grievances be addressed before any further actions regarding the occupancy certificate. The sarpanch further assured that the panchayat will not proceed with issuing an occupancy certificate until the residents' concerns are thoroughly investigated and addressed. लॉंग बॅग दिलो एफिडेफिट ओ पडे वीस हांव आसले 15 आसले तेज्या पयले 20 वर्सां पयलो आनी एकदां 15 पयलो आसलो तो इतू ते बरो आसलो तो कोण ऑप्शनाक कित गेल्ली ओके आनी तेणे चालू केला आतां ऑकुपन्सी येयला आतां ऑकुपन्सी येयला म्हणून इतल्या लोकांक आमी दोळ बंद करून ताका ऑकुपन्सी दितले लोकांक शेतां वचपाक रोड जाय न्हू आतां एफिडेफिट दिलो आसा आपण रोड दितो म्हूण तेगेले एफिडेफिट तेणे बायंड केलो आसा आपणाक आमी कांय केलें ना ताका ना ऑकुपन्सी दिवप आमी ताका लागून ऑब्जेक्शन आयलें न्हू रिपोर्टाचेर घालपाक ताका घालपाक बाबा ती लोकांक रोड खूंय दवरला तेंटे आमकां फुलफील करपाक जाय न्हू लोकांक दिवपाक जाय न्हू लोकांक दिना आसतना आमी कितको ऑकुपन्सी दितले आमी फकत ऑब्जर्वेशन आयले In response, the builder of the housing project explained that the pathways were already blocked when he acquired the property. He expressed commitment to resolving the issue and willingness to engage in discussions with the farmers and the panchayat to establish alternative access routes. मैं हमने जब ये प्रॉपर्टी लिया तब ये रोड ब्लॉक का हमें पता नहीं था बट जब हमें विलेजर्स लोगों ने कहा कि यहाँ से पुराना रास्ता था तो हमने उनको ये बोला कि अब ये बिल्डिंग हमने रेडीमेड खरीदा है ऑलरेडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड था तो अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट जो पहले आप लोग विलेजर्स जाते थे
हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बैठ के कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन है जो आप लोग के बेनिफिट के लिए भी रहे, विलेजर्स के लिए, चाहे वो बेताल बातिम के हों या मजौडा के हों, क्योंकि ये एक साइड में मजौडा है, एक साइड में बेताल बातिम है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बैठ के, बट बैठ के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन और दूसरा है सर, जो आप क्वेश्चन दे रहे हैं संडास का या सीवेज का, हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, तो कोई भी चैम्बर से पानी बाहर नाला में नहीं जाता है, सारा सीवेज ट्रीटमेंट होके और वो सारा पानी रीयूज़ होता करने का सिस्टम बनाया है और गार्डनिंग के लिए यूज़ करने का। और एनओसी भी ले लिया है आपने? हमने एनओसी किस चीज़ का सर? वो पंचायत से हमने रिवीजन वो लिया था रेनोवेशन का, जब बिल्डिंग खरीदा था उसके बाद सारे पेपर्स वगैरह सबमिट करके तो उन्होंने रेनोवेशन का परमिशन दिया था। ऐसे अगर हम बताएं तो विलेजर्स के साथ पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वो बोलते हैं कि उनको पैसेज जो चाहिए उसके लिए कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना है, वो देने के लिए आप लोग तैयार है? मीन्स हमको बैठ के, अब अगर प्रॉपर्टी में से, देखिए प्रॉपर्टी बनी में से निकलता है या साइड से कोई और रास्ता अल्टरनेट सॉल्यूशन करना है, जॉइंटली विद विलेजर्स, जॉइंटली विद पंचायत, वो बैठ के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। रमेश नायक राउत, मनीष परब एंड संगीता ओली फॉर गोवा 365।